साक्षी के साथ जो कुछ साहिल ने किया उसकी कल्पना साक्षी ने कभी नहीं की होगी। उसकी उम्र महज 16 साल थी और इस उम्र में उसने साहिल से दोस्ती की, लेकिन वो साहिल को पहचान नहीं पाई। उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रही है वो खूंखार जानवर है। दिल्ली की इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है, देख रही है देश की बेटियां, देख रहे हैं बेटियों के तमाम माँ बाप, इस खौफ और अंदेशे के साथ कि कहीं उनकी लाडली के साथ कोई ऐसी वैसी वारदात ना हो जाए। और इसलिए ये तस्वीरें एक सख्त सबक भी हैं कि रिश्ते में दिल ही नहीं दिमाग की भी सुननी चाहिए। अब साक्षी को ही लीजिए, उसने साहिल को पहचानने में गलती की और पहचान जानने के बाद एक और बड़ी गलती की। दोनों के बीच वारदात से ठीक पहले छोटी सी बातचीत होती है। साहिल कहता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझसे मिलने आ जाओ। साक्षी ने कहा, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। साहिल ने कहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 7:30 के लिए 8 बजे की बात होगी, क्योंकि 7:12 पे तो उसने कॉल करी थी साहिल को। तो उनने बोला कि क्या कहते हैं, मेरे को जाना है फ्रेश होने। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा चलो नीतू क्या हो लेना। उनने मना कर दिया, उनने बोला नहीं मैं शौचालय जाऊंगी। मैंने कहा फिर मैं जा रहा हूँ, मैं एक दोस्त को ले गया स्कूटी लेके। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं केक लेके नीतू के यहाँ चला जाऊंगा, तुम उधर ही आ जाना। उनने बोला ठीक है। तो मैं चला गया। मेरे जाने के बाद गली में से किसी लड़के का फोन आया, कह रहा जो तेरे साथ लड़की थी ना उसको किसी ने मार के गिर रखा है पीपल के नीचे। बस यही साक्षी से बड़ी गलती हो गई। वो साहिल से मिलने चली गई। उसके दिमाग में खूनी साजिश पहले से परवान चढ़ चुकी थी। साक्षी की इस दोस्त ने आज तक को साहिल से रिश्ते के बारे में कुछ और बताया, जैसे साहिल की धमकी से वो डरी थी। तभी उसने इलाके के एक दबंग लड़के झबरू से मदद मांगी थी। 2 बार आई है मेरे से मिलने, 2-3 बार आई हो। और क्या कहते हैं, उसने ये बताया था मेरे को, कोई साहिल नाम का लड़का परेशान कर रहा है, मारने उड़ने की धमकी देता है। तो झबरू के पास साक्षी को आप लेके गई थी? मैं लेके गया था झबरू भाई, मेरे झबरू मतलब अजय नाम है उनका, झबरू बोलते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो कह रही थी कि मेरे को परेशान करता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भाई से बोलता हूँ, चलेंगे फिर उससे मिलते हैं, क्या बोलता है वो। इस केस में साक्षी और साहिल के अलावा 4-5 किरदार और हैं जो पूरी हकीकत जानते हैं, जो साक्षी को भी जानते हैं, साहिल को भी जानते हैं और दोनों के रिश्तों को भी। उन्हीं से वारदात का पूरा सच पुलिस को हासिल होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।